बैक टू नीट पॉड। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्टेट वाइज कॉलेज वाइज कट ऑफ के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे कुछ दिनों पहले, अब वो सिलसिला फिर से जारी है। काउंसलिंग बहुत ही पास में है और ऐसे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली के बारे में। जी हाँ, कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि दिल्ली में कॉलेज वाइज कट ऑफ राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री में कैसे रहा है लास्ट ईयर और इस बार का क्या संभावना है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा कीजिए। तो उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आने वाले वीडियोज में हम अलग अलग स्टेट्स की बात करेंगे, स्पेशली इसके बाद जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम बिहार के बारे में चर्चा करेंगे और बिहार के सारे कॉलेजेस के कट ऑफ बताएंगे। तो आइए इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के स्टूडेंट्स को बायोलॉजी पढ़ाता हूं और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए, दिल्ली में ज्यादा कॉलेजेस नहीं है और यहाँ का जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा जाता है। ऐसे में एम्स के बाद जो मेन कॉलेजेस है सात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, उसमें अलग अलग कट ऑफ क्या रहे हैं राउंड वन राउंड टू और राउंड थ्री में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कॉलेज है एम्स के बाद MMC यानी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। इसमें राउंड वन में देखेंगे आप तो देखिए 2023 में ये डेटा लिखा हुआ है, इधर रैंक है, आप रैंक देख लेना। ओपन में 686 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, ओबीसी में 660, एससी 591 और एसटी में 530। इस तरह से आप राउंड टू की बात करोगे तो देखो 686 सेम में, ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं थी और ओबीसी में 659, एससी और एसटी में कोई भी सीट बची नहीं थी। जाहिर है राउंड वन और में ही सारी क्लियर हो जाती है। राउंड टू राउंड थ्री की बात करेंगे तो कोई भी सीट नहीं थी, सिर्फ एसटी में 483 मार्क्स पे क्लोज हुआ था और यहाँ पे रैंक लिखा हुआ था। ये था नंबर वन का कॉलेज आफ्टर एम्स। उसके बाद दूसरा कॉलेज जो है वो है आपका वर्धमान मेडिकल कॉलेज। वर्धमान मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करेंगे, जिसको वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज बोला जाता है, अनडिजर्व कैटेगरी के लिए 681 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, 665 पे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 654, एससी 581 और एसटी 517, इधर ऑल इंडिया रैंक लिखा हुआ है। ये सारे कट ऑफ जो है आपको अभी पता होना चाहिए, स्क्रीनशॉट करके आप रख सकते हो और फर्दर आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड नंबर का कॉलेज आप देख लो, सॉरी जो राउंड टू का कट ऑफ है 680 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, 656 मार्क्स पे ओबीसी मिला था, एससी 579, एसटी के लिए कोई सीट नहीं थी। अगेन राउंड थ्री की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस 665, 680 और एसटी में 500। तो इस तरह से थर्ड नंबर का कॉलेज अगर हम बात करेंगे तो ये सेकंड में 681 था और लास्ट में अगर यूसीएमएस की बात करेंगे, जहां पे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, राउंड वन का कट ऑफ देखिए 667 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, 650 पे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 643, एससी 562 और एसटी 445। राउंड टू का कट ऑफ देखो आप, अगेन सीटें बहुत कम बचती है, ओपन 667, ईडब्ल्यूएस ये अवेलेबल नहीं था, ओबीसी 641। ये जो भी मैं बता रहा हूँ एमसीसी का स्टेट कोटा का कट ऑफ है वो आप देख लो, है ना। और इसी तरीके से आप बात करेंगे राउंड थ्री की तो 666 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, ईडब्ल्यूएस 650, ओबीसी 639, एससी 560 और एसटी 432। इस तरह से फोर्थ नंबर पे आप आएंगे तो वो है आपका लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। इसके बारे में बात करेंगे तो ये है आपका 657 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, 633 ईडब्ल्यूएस और 631 ओबीसी, एससी 541 और एसटी 436 पे क्लोज हुआ था। स्पेशली यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है आपको कि ये कॉलेज सिर्फ वुमेन्स के लिए है, यानी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही डेडिकेटेड है। दूसरा राउंड में ओपन में 664 पे क्लोज हुआ था और ओबीसी में 644 मार्क्स पे क्लोज हुआ था। राउंड थ्री की बात करोगे 657, 632, 630, 541 और 433 ऑल इंडिया मार्क्स पे क्लोज हुआ था एसटी कैटेगरी के लिए। फिफ्थ नंबर का जो कॉलेज है वो है आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे आप इस कॉलेज को देखेंगे तो अनडिजर्व के लिए 675 पे क्लोज हुआ था, 650 पे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का 645 और एससी का 559, एसटी का 441। जाहिर है इस मार्क्स पे तो आपको इस बार कॉलेज नहीं मिलना है, लेकिन जो रैंक आप देख रहे हो ये रैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रैंक के आसपास ही थोड़े से एक तरीके से आपको कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। इसी तरह से राउंड टू में देखोगे तो 675, ओबीसी 657, एससी 559 पे क्लोज हुआ था, रैंक इधर लिखे हुए हैं। और लास्ट में अगर राउंड थ्री में देखोगे 675 पे क्लोज हुआ था, ओबीसी 644, एससी 557 मार्क्स पे क्लोज हुआ था। इस तरह से अगर आप बात करेंगे तो एक और कॉलेज है जिसका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज। इसका कट ऑफ आप देखोगे तो 675 और यहाँ पे देख रहे 2041 ऑल इंडिया रैंक थी, ईडब्ल्यूएस 649, ओबीसी 629, एससी 591, एसटी 516। रैंक पे आप ध्यान दीजिए, मेनली रैंक जो है इंपॉर्टेंट होता है। राउंड टू का देखोगे 666, ईडब्ल्यूएस 644, ओबीसी 629 और एससी 551 और एसटी 446 पे क्लोज हुआ था।
राउंड थ्री का देखो डेटा 656 पे अलॉट हुआ था, ईडब्ल्यूएस पे कोई सीट नहीं थी, ओबीसी में 624, 533 एससी और एसटी 482। यहाँ पे रैंक देखोगे तो 198,886 ऑल इंडिया रैंक था। इसके अलावा एनडीएमसी की बात करेंगे यानी नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो सबसे कम इसी का आप देखोगे, 670 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, 646 और ओबीसी 624, एससी 564, एसटी 489 मार्क्स पे क्लोज हुआ था। राउंड टू की बात करेंगे 664, 644, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 624 और एससी 546, एसटी 431। इसी तरह से राउंड थ्री की बात करेंगे तो ओपन 628, ईडब्ल्यूएस 615, ओबीसी 623 और एससी 531 और एसटी जो है ये 418 मार्क्स पे क्लोज हुआ था राउंड थ्री में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि दिल्ली में दो तरह की काउंसलिंग होती है, एक तो एमसीसी की तरफ से होती है जो ऑल इंडिया कोटा के लिए, और स्टेट कोटा का भी काउंसलिंग एमसीसी करती है, लेकिन बस इसमें फर्क ये है कि आपको जो है आईपीयू वाला जो मामला है इसको ध्यान में रखना होता है। इसका फॉर्म पहले ही निकल चुका है और फॉर्म जो है फिलअप किया जा चुका है। इस तरह से अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको कट ऑफ का अंदाजा लग गया होगा कि अलग अलग कैटेगरीज में क्या कट ऑफ रहा है। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।